नमस्ते, आप सबका हमारी माय ब्लैक टेट चैनल पे स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहे का कटलेट, तो चलो चलते हैं। तो इसके लिए हमें जो साहित्य लगने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें लगेगा, ये मैंने 3 कप पोहा लिया है, मिर्ची, लहसुन, अदरक, दही, उबाला हुआ आलू, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और तेल। पहले हम पोहे को धो लेंगे। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अभी हम आलू को स्मैश कर लेते हैं। ये हमारा स्मैश हो गया है। अभी जो पोहे भिगो के रखे थे उसमें हम डालेंगे स्मैश किया हुआ आलू। फिर कटा हुआ मिर्च, अदरक, पिसा हुआ लहसुन, दो चम्मच दही, थोड़ा सा नमक, मिर्च पाउडर और हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें तेल डालेंगे और इसको सब मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो गया। अब हम इसके बनाएंगे गोले। अब हम हाथ को थोड़ा सा तेल लगाते हैं और इसके गोलियां बनानी शुरू करते हैं। तो ये अभी हमारे कटलेट्स तलने के लिए तैयार हो गए। अभी हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। चेक करते हैं कि तेल गरम हुआ है या नहीं। अभी हमारा तेल गरम हो गया है। अब हम एक एक इसमें कटलेट्स छोड़ देंगे तलने के लिए। अभी हम देख सकते हैं हमारे कटलेट्स गोल्डन कलर के तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल कर रख देंगे प्लेट में। अभी हमारी कटलेट्स बनकर तैयार है। तो चलिए अभी से चख के देखते हैं। एक बॉल दे दूंगी।